हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है नमस्कार है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है चले आइए फिर से आप लोग और शुरू करते आज अंतिम कक्षा है छः से सात की तो अंतिम कक्षा में आपका स्वागत करते हैं एकदम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है आप पता नहीं उठे हैं कि नहीं हम तो उठ गए हैं और नहीं उठे हैं मेरे दोस्त तो वही बल बात एकदम खोइएगा तो, तो खोइएगा जागिएगा तब तो पाइएगा तो जल्दी से उठ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल मनुष्य में अंतर श्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है कौन नहीं है बताओ मनुष्य में अंतरश्रावी ग्रंथि कौन नहीं है जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर अंतर श्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत क्या है सबसे बड़ा कि सबसे छोटा यकृत जो है मेरी जान यह सबसे बड़ा बाह्य श्रावी ग्रंथि है अगर आपको पता होगा जल्दी से आंसर बता दीजिए यकृत जो है लीवर जिसको हम कहते हैं यह सबसे बड़ा सबसे बड़ा बाह्य श्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ा बाह्य श्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ा बाह्य श्रावी ग्रंथि है कौन यकृत दट इज लीवर यकृत जो है यह सबसे बड़ा बाह्य श्रावी ग्रंथि में से आता है कौन यकृत दट इज लीवर यकृत जो है मेरी जान यह सबसे बड़ा बाह्य श्राविक है और यकृत में सबसे तेजी से नई कोशिका का कोशिका विभाजन होता है सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक कोशिका विभाजन यही होता है सबसे अधिक कोशिका विभाजन कह दीजिए या नई कोशिका का निर्माण कह दीजिए कोशिका विभाजन कह दीजिए तो रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है सबसे ज्यादा रीजेनरेट करने की कैपेसिटी इसी में होती है रीजेनरेट मतलब अगर आपके यकृत में लीवर में कुछ हो भी जाता है तो वो रीजेनरेट करेगा बताइए तो सबसे कम सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है जल्दी से एकदम सुबह सुबह आज का पहला क्वेश्चन सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है जल्दी से बता दीजिए एक है आपका तंत्रिका तंत्र एक है आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका यकृत जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा तीसरा हम दे देते हैं मान लीजिए छोटी आंत दे लीजिए या कुछ भी ले लीजिए तीसरा दुए को लीजन दुए को मैं आंसर बता दीजिए जल्दी से सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होता है मेरी जान यकृत में तो बताइए ऊपर में लिखा हुआ है सबसे आ, कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है सबसे कम कोशिका विभाजन बताइए जल्दी से कहा होता है सबसे कम कोशिका विभाजन मेरी जान तंत्रिका तंत्र में होता है इसीलिए कहा जाता है तंत्रिका तंत्र यानी यहाँ पीछे पश्चिम मस्तिष्क में नहीं मारना चाहिए क्योंकि वहां मारिएगा ना एक सेल उसका बहुत कम सेल बनता है तो वह आदमी फिर जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है इसीलिए किसी को भी इस पोजीशन पे पीछे नहीं मारना चाहिए व्हाट इज द आंसर तंत्रिका तंत्र इज द आंसर शीर्ष ग्रंथि होगा नहीं पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन का श्रवण करता है इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं देख लो यकृत सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है रीजेनरेट करता है यह बहुत जल्दी और सबसे कम कोशिका विभाजन होता है तंत्रिका तंत्र में और सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है ये रीजेनरेट करने की कैपेसिटी है मनुष्य में अंतर श्रावी ग्रंथि कौन नहीं है यकृत है क्यों क्योंकि ये सबसे बड़ा बाह्यश्रावी ग्रंथि है आंसर आज बड़ा जल्दी भोरे भोर उठ क्या बात है वेरी गुड एकदम मेरी जान हम बार बार कहते हैं या तो पढ़ो या तो अपना सर्वस्व झोंक दो या नहीं तो छोड़ दो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त कर सकता है परजीवी के रूप में परजीवी वह होता है जो दूसरे पर निर्भर करता है कस्कूटा कस्कूटा देख लीजिए ये औ, दूसरे पर निर्भर करता है बताइए जू ये भी परजीवी है जू ये भी परजीवी है लेकिन कहता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पौधा कह दिया है यहाँ जो जू है ये जंतु है ये भी परजीवी है मलेरिया का परजीवी मलेरिया का परजीवी भी परजीवी है लेकिन अतः पौधा ये भी ये भी परजीवी है लेकिन ब्रायोफाइलम आई कस्कुटा ये चला पौधा है तो यही आंसर हो जाए घटपर्णी का नाम सुने हो घटपर्णी जो है घटपर्णी जो है ये कीटभक्षी पौधा है घटपड़नी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कीट भक्षी पौधा है कीट भक्षी पौधा है घटपर्णी भक्षी पौधा है, भक्षी है आ कीट ये क्यों कहाँ पर ये जन्म लेता है जहाँ नाइट्रोजन कम रहता है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में, में नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है कीटभक्षी पौधा है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है और अगर हम बात करें और अगर हम बात करें कीटभक्षी पौधा है नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है और कीट से नाइट्रोजन प्राप्त करता है कीट से नाइट्रोजन प्राप्त करता है कीट से नाइट्रोजन प्राप्त करता है इसीलिए कीट भक्षी है कीटों का भक्षण करते रहता है बेचारा को जहां जन्म लेता है वहां नाइट्रोजन की कमी रहती है तो कीट का भक्षण करके घटपर्णी पौधा जो है वो नाइट्रोजन को खाता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इसका आंसर कस्कूटा हो जाएगा कीट भक्षी पौधा है घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में जन्म लेता है और कीट से नाइट्रोजन क्या करता है प्राप्त करता है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा बताइए इसका आंसर क्या होगा वट इज आंसर जल्दी से कमेंट्स करो कि एकदम किसी भी प्रकार का फिर अनाधुन कुछ तो कुछ पूछने लगता है कल सर एल का टेस्ट खरीदे थे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया अः लेकिन टेस्ट लॉक चला खुल गया होगा देखो तुम अभी खोल के ठीक हो गया है खुल गया होगा पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है बताइए क्या हो जाएगा स्टार जल में घुलनशील होता है कि नहीं होता है वसा मुक्त अम्ल हो गया एमिनो अम्ल एमिनो अम्ल से मेरे दोस्त प्रोटीन का निर्माण होता है जल्दी से आप लोग आंसर बता दें प्रोटीन से मेरे दोस्त उत्तक का निर्माण होता है उत्तक से मेरे दोस्त अंग का निर्माण होता है और अंग से मेरे दोस्त शरीर का निर्माण होता है आइए जो प्रोटीन से अमीनो अम्ल से जो प्रोटीन बनता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा ये बहुलीकरण विधि द्वारा बनता है बहुलीकरण विधि द्वारा बनता है पॉलीमराइजेशन द्वारा वसा आ, सबसे अधिक ऊर्जा इसी में होती है सबसे अधिक ऊर्जा सबसे अधिक ऊर्जा इसी में होती है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है वसा सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है आ ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है वसा सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा का स्रोत है तब न कहते ग्लूकॉन डी कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन जैसा तुरंत शक्तिदायक तुरंत आपको ऊर्जा देने का काम वो करेगा अब जल्दी से बता दो स्टार्च स्टार्च की अगर हम बात करें ये जल में जल में अघुलनशील होता है स्टार्च की अगर हम बात करें ये जल में अघुलनशील होता है आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च वसा मुक्त अम्ल नहीं होगा एमीनो अम्ल, एमीनो अम्ल तो हम उत्तक अंग या शरीर का निर्माण करता वसा सबसे अधिक ऊर्जा होता है स्टार्च जल में अघुलनशील होता है अब पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है एमिनो अम्ल अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है प्रोटीन से उत्तक का उत्तक से अंग सा अंग का अंग से किसका शरीर का अब बताइए रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है जल्दी से बताइए रोग प्रतिरोधक क्षमता पहला है आपका विटामिन पहला है आपका विटामिन और दूसरा है आपका प्रोटीन जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा पहला है आपका विटामिन और दूसरा है आपका प्रोटीन जल्दी से बता दीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है विटामिन की प्रोटीन वॉट इज द आंसर विटामिन देता है या प्रोटीन देता है जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है विटामिन देता है कि प्रोटीन देता है hmm... जल्दी बताओ वट इज द आंसर रोग प्रतिरोधक क्षमता चला विटामिन देता है इसलिए देखना कोरोना के टाइम में कहा जाता है कि विटामिन सी ज्यादा ज्यादा से खाइए क्यों क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा और रोग आपको होने नहीं देगा तो जल्दी से बता दी क्या हो जाएगा आंसर वन एक नंबर इज द राइट आंसर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा पहले चला जीवाणु की अगर हम बात करें जीवाणु के लिए क्या नहीं होता है इसमें जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है जीवाणु में केंद्रक नहीं होता कोशिका है इसकी कोशिका भित्ति जो है इसकी कोशिका भित्ति जो, जो है ये पेप्टीडो ग्लाइकन की बनी होती है पेप्टीडो ग्लाइकन की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन की बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है किसकी बनी होती है की बनी होती है अब आते हैं अमीबा अमीबा बताओ क्या होता है अमीबा बताओ क्या है यूकैरियोटिक है कि प्रोकरियोटिक है ये चला यूकैरियोटिक है विषाणु की अगर हम बात करें ये उच्च तापमान उच्च उच्च ताप या निम्न ताप पर आ, मरेगा कि नहीं मरेगा उच्च ताप या निम्न ताप पर नहीं मरेगा हम लोग कहते थे कोरोना के टाइम में ना निम्न ताप पर जीवित रहता है जीवित रहता है जीवित रहता है जीवित रहता है उच्च ताप या निम्न ताप पर जीवित रहता है लेकिन हम लोग क्या कहते कोरोना के टाइम में ठंडी अभी गर्मी रहेगा तो भाग जाएगा कोरोना जबकि कोरोना वायरल डिजीज़ था वो न ठंडी में मरेगा और न गर्मी में मरेगा और उच्च ताप या निम्न ताप पर जीवित रहता है और इसकी अगर हम बात करें ये परजीवी है परजीवी है ये दूसरे पर जैसे ही इसको नहीं कुछ मिलेगा तो मरल रहेगा जैसे कुछ मिल जाएगा इसको वो तुरंत जिंदा हो जाता है और ये क्रिस्टलीय रूप में कहता है क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है ये क्रिस्टल का होता है क्रिस्टल का मतलब होता है रवा 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 यानी क्रिस्टल 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 के रूप में बनाया जा सकता है के रूप में बनाया जाता है रवा यानी क्रिस्टल के रूप में बनाया जाता है क्रिस्टल के रूप में बनाया जाता है शुक्राणु तो सबको पता है तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए विषाणु इज द राइट आंसर पढ़ना पड़ेगा दोस्त कोई उपाय नहीं है तेरे पास कहते हैं जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की कवक कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है टाइटीन की पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सेलुलोज की अब आते हैं उच्च उच्च ताप उच्च ताप नि, और ताप और पर जीवित रहता है परजीवी है और रवा के रूप में बनाया जा सकता है अब जल्दी से बता दो आंसर व्हाट इज द आंसर मुझे टेस्ट के लिए पटना आना है वेलकम टू द पटना वेलकम टू पटना सिंह हम जल्दी से आइए और जल्दी तुरंत शुरू हो जाइए अब तो आपके पास चला आज चौदह तारीख है आप बहुत सारा चीज अभी मना रहे होंगे कोई वैलेंटाइन डे मना रहा होगा आज चला कोई सरस्वती पूजा मना रहा होगा मेरे लिए मेरा कलम ही सब कुछ है तेरे लिए भी तेरा कलम ही सब कुछ होना चाहिए आ जाओ जल्दी से आंसर बता दो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मंडलीफ की आवर सारणी में इका एलमियम बता रहे चला कौन एक होता देखो तीने गो इका है ये है एगो है इका एल्यूमिनियम एगो है इका एल्युमिनियम ये बताओ क्या चीज के लिए प्रयोग करते हैं एक इका एल्यूमिनियम क्या होता है गैलियम इका एल्यूमिनियम होता है गैलियम उसके बाद है इका सिलिकॉन इक्का सिलिकॉन होता है जर्मेनियम इक्का तीनों गो इक्का है ये है चला इका सिलिकॉन ये होता है जर्मेनियम उसके बाद रहता है इका बोरोन इका बोरॉन क्या होता है रेन रे स्कैंडियम इक्का बोरोन होता है स्कैंडियम देखो गुरुकुल का बच्चा सब उठ गया है उठ के पढ़ रहा है इका एल्युमिनियम होता है गैलियम इका सिलिकॉन होता है जर्मेनियम इका बोरोन होता है इका बोरोन होता है स्कैंडियम जल्दी बता इका इका एल्यूमिनियम हो गया गैलियम इका सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम इका बोरोन हो गया स्कैंडियम बता दो तो जल्दी से आंसर क्या होगा व्हाट इज आंसर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो मैंडलीफ की आवर्त सारणी में से इका एलोनियम इका एलमोनियम हो गया तो गैलियम हो गया गैलियम है क्या आ, देखो चला स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम मेंडलिफ इन तीनों को मैंफ ने बाद में जोड़ा था क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है मेडलिफ ने में बाद में जोड़ा था सारणी में सारणी में बाद में जोड़ा था बाद में जोड़ा था में में बाद जोड़ा था किसने किस ने किसको किसको स्कैंडियम को गैलियम को और जर्मेनियम को अब बताता आवर्त सारणी की खोज कौन किया था जल्दी बता दो देखें कौन बताता है आवर्त सारणी आवर्त सारणी की खोज एगो ऑप्शन है तुम्हारे पास मौसले मौसले और दूसरा ऑप्शन है मेंडलीफ जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा एगो मोसले आई मेंडलीफ एको एगो मोसले आई मेंडलीफ मेंफ एगो मोसले आई मेंडलीफ जल्दी बताओ आंसर क्या होगा व्हाट इज द आंसर पता चला जल्दी से आंसर क्या होगा कहते हैं आवर सारणी का कौन खोज किया था जल्दी बताओ मौसले की मेंडलीफ हा 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 जल्दी से बता दो चला हम तो सिर्फ कंटेंट देंगे सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है जल्दी बता व्हाट इज आंसर आवर सारणी आवर सारणी की अगर हम बात करें सारणी दिया था मेंडलीफ ने आधुनिक आवर सारणी दिया था मोसले ने ये ध्यान रखिएगा आधुनिक आवर सारणी दिया था मोसले ने लेकिन सिर्फ पहला आवर सारणी किसने दिया था मेंडलीफ ने दिया था अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा तो चला अनु में कितने परमाणु है परमाणुता अगर निकालनी है परमाणुता अगर आपको निकालनी है परमाणुकता अगर निकालनी है तो परमाणुता कैसे निकालेंगे जल्दी से बता दीजिए परमाणुता की अगर हम बात करें तो अगर हीलियम है अकेले है तो एक होगा O2 है तो दो होगा ओ है तो तीन होगा H2SO4 है H2SO4 है तो चार एक पाँच दो सात होगा चार एक पाँच दो सात होगा और आपका दिया हुआ एन एच फोर हॉल टू एस ओ फोर एन एच फोर एन एच फोर हॉल टू एस ओ फोर एन एच फोर हॉल टू एस ओ फोर हो जाएगा देखो चार एक पाँच दूनी दस एक ग्यारह चार पंद्रह इज द राइट आंसर चार एक पाँच दूनी दस एक ग्यारह चार पंद्रह इज द राइट आंसर चार दूनी आठ देख लो चार एक पाँच दूनी दस एक ग्यारह चार पंद्रह इज द राइट आंसर जब मन तब चल देता है सुतता है ना रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में बहुत मेहनत करने की जरूरत है चार एक पांच दूनी दस एक ग्यारह चार पंद्रह आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हीलियम की अगर हम बात करें तो एक अच्छा बताओ अगर तुम लोग बताना चाहता है तो एम जी फोर MgSO4 जी एस में बताओ कितना है जल्दी से बता दो MgSO4 जी एस में परमाणुओं की संख्या कितनी जल्दी से कमेंट्स कर दो दू एक तीन सत इक्कीस देख जल्दी से जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर हम ई तो जोड़ देते हैं तुम्हारा दो एक तीन सत इक्कीस चार पच्चीस एक छब्बीस एक सत्ताईस जल्दी बताओ आंसर क्या होगा व्हाट इज द आंसर दो एक तीन सतह इक्कीस चार पच्चीस एक छब्बीस एक सत्ताईस दो एक तीन सतह इक्कीस चार पच्चीस एक छब्बीस एक सत्ताईस देख लो तो इतना आ, आ रहा है तुमको तेरह आ रहा है तेरह आ रहा है बीस आ रहा है आंसर बताओ चुपचाप चुट्टा सब कहीं का जल्दी बताओ देखो कैसे जोड़ेंगे दो एक तीन सतह इक्कीस चार पच्चीस एक छब्बीस एक सत्ताईस सुतले है की रे उठ 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 आंसर अगला कता ऑक्सीजन में कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं समय होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है बता क्या होगा ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को जलाने पर कार्बन डा, कार्बन को जलाने पर अच्छा कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बहुत बढ़िया बात है तो इचला इच्छा इच्छा कौन सी अभिक्रिया है जल्दी से बता दो योगात्मक अभिक्रिया भी तो है योगात्मक अभिक्रिया होता है जब ए बी से अभिक्रिया करता है तो ए बी बना देता है आ एगो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कह रहा है जलाना तो जलाने पर तो दहन अभिक्रिया भी तो है लेकिन कोई एक चुनना है तो दहन अभिक्रिया चुनेंगे क्योंकि ये मेनली जल रहा है ये मेनली क्या हो रहा है चला जल रहा है तो ये भी इसका सेकंड ऑप्शन हो सकता था लेकिन अगर कोई जल रहा है तो यह इसका सही आंसर होगा प्रतिस्थापन तो दो प्रकार का है एकल विस्थापन अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना जब ए बी जो है ए प्लस बी में टूटेगा तो ये ए बी का निर्माण कर देगा इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है जैसे ए बी A, B, C, से करेगा और यह ए सी प्लस बी डी दे देगा इसको हम लोग प्रतिस्थापन कहेंगे मतलब एक हट के दूसरे पे जाएगा और दूसरा हट के पहले पे आएगा दहन अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है मेरी जान दहन कहलाता है अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कहता है हम चला 100 लगभग डेढ़ 140 क्वेश्चन आज हो जाएगा 140 क्वेश्चन लगभग 120 से 25 क्वेश्चन जो टफ टफ क्वेश्चन है वो हम आपको करवा दिए हैं बाकी चला जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे बनने लायक है एकदम उसके लिए आप टेंसर नहीं लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है ये हमेशा ध्यान रखना चला कैल्शियम विथ वाटर कह दे या चूना चूना विथ वाटर कह दे या अम्ल विथ वाटर कह दे या अम्ल विथ वाटर कह दे अम्ल प्लस पानी कह दे अम्ल प्लस पानी कह दे अम्ल प्लस पानी कह दे या 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 चूना प्लस जल कह दे अम्ल प्लस पानी कह दे या या या, या, या सीमेंट सीमेंट प्लस पानी कह दे सीमेंट प्लस पानी नहीं हो कहे चलो इतने कहे तो यह अभिक्रिया तीव्रतम अभिक्रिया है अभी करके देखना मेरी जान पानी में चूना में पानी डाल के देखना चूना में पानी डाल के देखना तुमको अभिक्रिया का पता चल जाएगा इतना तेज होगा तिब्रतम अभिक्रिया है तिब्रतम अभिक्रिया है और ये तीनों के तीनों उष्मा छेपी अभिक्रिया है ये तीनों के तीनों जो है ये उष्मा छेपी है तिब्रतम अभिक्रिया उष्मा छेपी है चूना जल से अभिक्रिया करे अम्ल जल से अभिक्रिया करे ये एकदम तीव्रतम अभिक्रिया है आप करके देखिएगा अम्ल ले लीजिए उसमें पानी डाल एकदम आग लग जाएगा चूना ले लीजिए उसमें पानी डाल दीजिए और भयानक टेम्परेचर हाई हो जाएगा अपने खोलने लगेगा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो आप जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है क्वेश्चन कह रहा है के लिए सही नहीं है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है यही तो गलत हो गया अभिक्रिया की तीव्रता कैल्सियम तैर तैरना शुरू कर देता है और निकलने वाली उष्मा कम होती है हाइड्रोजन गैस निकलता है आंसर हो जाएगा ये एप्पल तीन नंबर कैसे हो जाएगा निकलने वाली उष्मा कम होती है अधिक होती है चूना जब जल से अभिक्रिया करता है तो निकलने वाली उष्मा भी अधिक होती है और अभिक्रिया भी तीव्रतम होती है तीव्रता कम होती है हाँ अरे तीव्रता कम होती है ना ये सही नहीं है कैल्सियम तैरना शुरू करता है सही है निकलने वाली उष्मा कम होती है ये भी सही है हाइड्रोजन गैस निकलता है है ये भी सही है। अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है ये गलत है अभिक्रिया तीव्रतम होता है अभिक्रिया तेजी से होता है आ, यहां दिया है है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती यही तो गलत हो गया ये गलत है चला ए एप्पल इज द रॉन्ग आंसर ना ना ना, ना एकदम सही है निकलने वाली उस उष्मा कम ही होती है कम का मतलब यहां उषमा कम ज्यादा कम ज्यादा तो कंपेरिजन का चीज है चला कम इसलिए कहेंगे कि उतना ज्यादा उषमा थोड़े निकलता है एक नॉर्मल रेंज की उष्मा निकलती है अभिक्रिया तीव्र होता है करी मतलब नहीं है कि उष्मा भी अधिक निकलेगा अभिक्रिया तीव्र होता है इसका यह मतलब नहीं है कि उष्मा भी अधिक निकलेगा पर आपका एप्लीकेशन लैपटॉप में नहीं चलता एकदम नहीं चलता है कोशिश में लगे हुए चला जल्द ही चले लोहा के गुणों क्यों कोबाल्ट के और निकेल जैसा होता है गौर फरमाइएगा लोहा का जो गुण है वो कोबाल्ट और निकेल के जैसा होता है इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है या किसकी कमियों में से एक था अब चला देखो बढ़िया से लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है तो इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है सबको पता है ये काम कहाँ हुआ है न्यूलैंड के टेबल में न्यूलैंड के टेबल में लोहा को इधर रखा है कोबाल्ट और निकेल को उधर रखा है अगर देखा होगा तो न्यूलैंड का टेबल पढ़ा होगा दोस्त मेरे तो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम में हो जाएगा डोबेनर का त्रिक नियम कितने तीन त्रिक थे तीन त्रिक थे इसमें तीन त्रिक थे आधुनिक सारणी किसने बनाया था मोसले ने कितना ईस्वी में उन्नीस सौ तेरह ईस्वी में आधुनिक सारणी मोसले ने बनाया कितना ईस्वी में آ, 1913 में Obsland ने तो सारणी बनाया था आधुनिक सारणी किसने बनाया था मोसले ने बनाया था बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा मोसले ने बनाया था और यह हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आजा, आजा, देखो आ तो चला हम आज आज में भी चला हम बुक लॉन्च कर देंगे सारा बुक अवेलेबल हो जाएगा हो गया है लेकिन यहीं पर खत्म हो जा रहा है इसलिए हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर तेल के नमूने लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है बताओ तेल के नमूने ने किसी को भी ताजा रखना है चला किसी को भी ताज़ा रखना है तो हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे या नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से कोई चीज ताजा रहेगा रे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ध्यान रखना किनवन में निकलता है ये किनवन में ये गैस निकलता है ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी है जलाने के लिए जरूरी है जलाने के लिए जरूरी है नाइट्रोजन होगा ऑक्सीजन होगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम दे दिया हीलियम वायुयान के टायर में भरते हैं सबको पता है हीलियम जो है वायुयान के टायर में भरते हैं वायुयान के टायर में यही गैस भरते हैं और नाइट्रोजन की अगर बात करोगे तो कुरकुरे वगैरह के पैकेट में यही रहता है कुरकुरे कुरकुरे के पैकेट में कुरकुरे के पैकेट में यही भरा जाता है यहाँ आपको आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर ने 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 ने। जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा हीलियम आज बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा में चला बिजी हैं उम्मीद करते हैं कि माँ सरस्वती उनको सद्बुद्धि दे और वो पढ़ाई करें जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा हीलियम और नाइट्रोजन इज द राइट आंसर अभी तो सब सजावट में लगा हुआ होगा लेकिन दोस्त मेरे ये बात जान लो जिंदगी को सजाना जरूरी है मूर्तियों को सजाने से अच्छा है आप अपने कर्म को सजाइए कर्म ही मूर्ति का रूप है जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं आप उन सब चीजों को देखना चाहते हैं जिसमें आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और कोई एक मार्ग खोजते हैं शॉर्टकट जहाँ से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और हमें कुछ मिल जाए जबकि ऐसा कुछ नहीं होना है पढ़ाई ही आज मेरा पूरा दिन चला क्लास खुला हुआ है और हम लोग आज पूरे दिन पठन पाठन का कार्य करेंगे एक भी क्लास बंद नहीं है हमको लगता है पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो एकमात्र मेरा इंस्टीट्यूट होगा जहां आज क्लास चलेगा न तो ए टू जेड और हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट में चले क्योंकि दरोगा वरोगा का मेंस है अभी तो है हो सकता है दरोगा वाले लोग चला रहे हों न तो एक भी इंस्टीट्यूट में आज क्लासेस नहीं चलेगी लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में आज क्लास चलेगा और हम पढ़ाएंगे भी कहते हैं जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर हीलियम तथा नाइट्रोजन तेल के नमूने लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है हीलियम और नाइट्रोजन किसी भी चीज को चला ताजा रखने के लिए हीलियम और नाइट्रोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कहते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का गुरुत्वीय जनित त्वरण पृथ्वी के गुत्व जनित त्वरण का एक बड़े छ है तो पृथ्वी पर अगर 12 न्यूटन भार की वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा एकदम सिंपल है चला अगर कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का एक बटर छ है यानी चंद्रमा पर जो जी का मान है वो जी बटर सिक्स है अब पृथ्वी पर जो जी का मान है वो जी है तो यहाँ डब्लू बराबर होता है एम जी यहाँ होता है डब्लू बराबर एम जी बटर सिक्स अब क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर अगर 12 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा तो यानी इसका मान जो है एम का मान दे दिया है तुमको 12 न्यूटन पृथ्वी पर तो कह रहा है चंद्रमा पर क्या होगा तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो W बराबर हो जाएगा W1 इसको मान लेते हैं W1 वन बराबर एम जी बटा सिक्स हो जाएगा तो एम जी बटा सिक्स यानी 12 बटा दो हो जाएगा 12 बटा दो बोले तो क्या हो जाएगा 6 न्यूटन अब 12 बटा छ बारह बटा छ हो जाएगा बारह बटे छ हो जाएगा तो कितना न्यूटन हो जाएगा दो न्यूटन इज द आंसर देखो मिस करके अगर न्यूटन लाओगे तो पहले ऑप्शन है मिस करके अगर न्यूटन लाओगे तो पहले ऑप्शन है देखो पढ़ने वाला बच्चा धाई धाई आंसर मार रहा है हम चला कल एक वोटिंग करवाए थे कि किसको चिला एकदम इस बार नौकरी लेना ही लेना है कृपया एक टाइप करें और जिसको लगता है कि हमको नहीं होगा तो चलेगा कृपया दो टाइप करें इसको एकदम इस बार एकदम सीरियस है कि इस पांचों एग्जाम में से हमको एक ना एक एग्जाम निकाल ही लेना है कृपया एक टाइप करें एकदम लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा अगला बार देखेंगे तो दो टाइप करें जल्दी बता दो यहां से आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर एक की बी किसी वाह वेरी गुड अगला अब सवाल का जवाब दे दो हमको अगर तुम इतना जानता है तो जल्दी से बता दो भार जो है भार सदीस है कि अदीश है भार एक ऑप्शन है सदीस दूसरा ऑप्शन है अधिस जल्दी से बता दो भार सदीस है कि अधीस है भार जो है मेरी जान सदीस है कि अधीश है जल्दी से बता दो hmm. भार जो है वो क्या है जल्दी से बता दो भार चला जल्दी बता दो सदी से अधीश है भार जो है जल्दी से बता दो सदी भार एक प्रकार का बल है इसी को वजन भी कहते हैं और ये एक सदीश राशि है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा एसी जनरेटर एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करना है बता जल्दी से आंसर क्या होगा ए सी को डी सी जनरेटर में परिवर्तित करना है विभक्त वालय या, दिक परिवर्त है। है या अधिक परिवर्तक का उपयोग करेंगे सर्पी वालय या ब्रश का उपयोग अधिक प्रबलता वाले के क्षेत्र जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर जल्दी बता दो चला आंसर क्या हो जाएगा विभक्त बलय दिक परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा लेकिन इस जनरेटर में कह दिया है चला अगर नॉर्मली डायोड जो है डायोड या रेक्टिफायर की अगर हम बात करें रेक्टिफायर की बात करें रेक्टिफायर की बात करें तो ये ए सी टू डी सी में बदलता है

कॉपर का बना हुआ होता है व्हाट इज द आंसर एसी को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं विभक्त वलय है या कम्यूटेटर का, का उपयोग करते हैं सरपी वालय एसी टू डीसी में चेंज करता है जिसको आप स्लिपरिंग कहते हैं और डायोड या रेक्टिफायर एसी टू डीसी में बदलता है डायोड या रेक्टिफायर जो है एसी टू डीसी में बदलता है Hmm, बहुत लेट सोए, तीन लेट सोए बजे इस कारण आज हो गया। गुरु जी आपका क्लास करने के बाद रात में लेट सोए इसलिए तीन बजे सोए और इसलिए नहीं उठ पाए बहुत बढ़िया बात चला रात में क्लास हम करवा रहे थे हम सोए और हम टाइम से उठ गए हैं जल्दी से बता दो मेरी जान अगला एफ स्केल पर किसी वस्तु का 212 डिग्री एक लाइन में चला अगर नौकरी लेना है ना हमरा से पढ़ो कि किसी से पढ़ो लेकिन पढ़ो या खुद से पढ़ो डिग्री एफ स्केल पर किसी वस्तु का ताप आप दो डिग्री एफ है तो सेल्सियस पर कितना होगा मेरी जाने मोहब्बत आपको पता होगा सी माइनस जीरो बटा हंड्रेड माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ माइनस बत्तीस बटा अः दो सो बारह माइनस बत्तीस इज इक्वल टू के माइनस दो सौ तिहत्तर बट्टा तीन सौ तिहत्तर माइनस दो सौ तिहत्तर आ और क्या है रे आर माइनस जीरो बट्ट अस्सी माइनस जीरो आ जितना उच्चतम बिंदु है सब आपस में बराबर है जितना ये उच्चतम बिंदु है सब आपस में बराबर है और जितना निम्नतम बिंदु है सब आपस में बराबर है ध्यान रखना एक सौ डिग्री सी जो है एक सौ डिग्री सी बराबर है दो सौ बारह डिग्री फेरनहाइट के बराबर है तीन सौ तिहत्तर कैलिविन के बराबर है अस्सी डिग्री आर के तब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर एक सौ डिग्री सी बराबर है अब देखो यहां से जीरो डिग्री सी ये बराबर है बत्तीस डिग्री फेरन के ये बराबर है दो सौ तिहत्तर केलविन के और ये बराबर है जीरो डिग्री आर के सब आपस में बराबर है यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दो सौ बारह डिग्री फेरन तो दो सौ बारह डिग्री फेरन कितना डिग्री सी के बराबर होगा जल्दी से बता दो तो आंसर जल्दी बता दो मेरी जाने मोहब्बत मेरी जाने पिंक आंसर क्या होगा तुझे देखा तो ये जाना सनम तेरी बाहों में मर जाए हम ये उन्नीस सौ छप्पन का गाना है चला जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर क्या मारा एक सौ डिग्री सी इज द राइट आंसर आई सब जल का क्वनांक है इस सब जल का क्वनाक है आ जो है मेरी जान ई हिमांक है पहले आता था क्वेश्चन कितना है 100 डिग्री अब नहीं आता है अब क्वनाक के बारे में आएगा तो अब फेर हाइट में दे देगा दे 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 चला फेरन हाइट में एक दे सौ दे 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 तो डिग्री सी एक सौ डिग्री सी जो है ये बराबर है दो सौ बारह डिग्री फेर तीन सौ तिहत्तर किलोमीटर अस्सी डिग्री आर सब आपस में बराबर है इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आ हा बता जल्दी से आंसर क्या होगा What is the answer? जी इतना के जी वजन का एक गेंद गति एक मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर तीन मीटर पर सेकंड करने के लिए कार्य का मान कितना होगा तो कार्य चूंकि गति है तो हाफ एम बी एफ क्वार से निकलेगा तो कार्य निकालने के लिए अंतिम 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 गतिज ऊर्जा प्लस माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा चूंकि दो गो वेग दिया हुआ है तो दोनों एक मीटर पर सेकेंड को वेग है इससे ये हो गया तीन मीटर पर सेकेंड अब कह रहा है कि इसके बीच ऊर्जा में कितना कार्य करने की आवश्यकता होती है तो कैनेटिक एनर्जी हमको निकालना होगा एनर्जी बराबर हम लिख सकते हैं बताओ तो हाफ एम भी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम भी टू स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक अगर हम लोग कर देते हैं तो हाफ एम कॉमन ले लेंगे आप भी वन स्क्वायर माइनस भी टू स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा हाफ एम का मान कितना है एम का मान है जीरो पॉइंट चार आप भी वन स्क्वायर कितना है तो बड़का ले लेंगे एगो तीन है एगो एक है तो तीन का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर अब जल्दी से सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा व्हाट इज द आंसर कितना आ रहा है चला देखो सब मार दिया कहा वन पॉइंट सिक्स आ रहा है क्या 1.6 जूल आ रहा है देख लो चलवा सब मारा है तुम्हारे तुरे विश्वास से मार दिए ले सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत है जल्दी बता पहले लोग यूट्यूब पे आते थे चलो ढेर बकवास किया करते थे अब जे जे ढेर बकवास करेगा तो बच्चा उसको छोड़ देता है इसलिए भाई मास्टरों सब अब सचेत हो गया सिर्फ पढ़ाना है हमने अपने चैनल पर सभी टीचरों को कहा है सिर्फ पढ़ा के उतर जाइए बाकी कुछ ना करना है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा वॉट इज द आंसर वन आ रहा है रे नौ में से एक आठ दो चौका आठ और चार चौका सोलह वन पॉइंट सिक्स इज द राइट आंसर वेरी गुड अगला अगला क्वेश्चन नंबर है आपका पंद्रह जल्दी से बता दो पंद्रह कहता है दो प्रतिरोध दस ओम और पंद्रह ओम के समानांतर में जोड़े जाते हैं इस संयोजन को चौबीस ओम के प्रतिरोध के स, और बारह वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है पंद्रह ओम वाले प्रतिरोध से धारा का मान क्या होगा क्वेश्चन कह रहा है मेरी जाने मोहब्बत मेरी जाने पिंखुड़िया कि जल्दी से बता दो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दो प्रतिरोध है एगो दस ओम है एको चला है पंद्रह ओम बहुत बढ़िया बात और कह रहा है कि चौबीस ओम संयोजन को चौबीस ओम प्रतिरोध के साथ बारह वोल्ट की बैटरी बहुत बढ़िया बात है ये जोड़ दिए हम ये चौबीस ओम है आ एगो है दस ओम एगो है पंद्रह ओम एगो है दस ओम एगो है पंद्रह ओम अरे तो पंद्रह ओम से धारा का मान क्या होगा तो एकदम सिंपल नहीं है ध्यान से बनाओगे तो बन जाएगा ये मान लो यहाँ से आई धारा जाता है इससे आई वन इससे जाएगा आई टू बहुत बढ़िया बात तो यहाँ से फिर निकल जाएगा आई यही ना मामला है रे हम टोटल आर निकाल लो पहले आर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा आर निकालने के लिए पंद्रह दस इसको अगर आर निकालोगे तो ये हो जाएगा आर बराबर पंद्रह गुना दस बटा पंद्रह प्लस दस कितना छोबीस तो आर टोटल बराबर हो जाएगा चौबीस ओम अब आई निकाल लो आई बराबर होता है भी बाय आर ये कितना वोल्ट है बारह वोल्ट है तो आई बराबर भी बाय आर करोगे तो भी का अमान बारह आर का मान कितना तीस ये हो जाएगा तीन चौका बारह यानी चार छत्तीस इतना हो जाएगा चला एम्पियर अब हमको आई निकालना है आई वन निकालना है आपको पता है जल्दी से बता दीजिए आई वन प्लस आई टू बराबर आई हम लिख सकते हैं देखो तो आई वन प्लस आई टू बराबर आई देख लो चला टू है सीबीटी टू का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम डाले हैं सीबीटी टू का थोड़ा सा टफ लगेगा सी बी टू को की तैयारी में चला क्या सबसे बड़ी खासियत है कि सी बी वन में साइंस से इक्यावन चैप्टर से सवाल पूछेगा और सी बी टू में साइंस से सोलह चैप्टर से सवाल साइंस और ड्राॅइंग मिलाकर सोलह चैप्टर से दस ही चैप्टर से सवाल पूछेगा अच्छा चैप्टर ड्रॉइंग का यानी टोटल सोलह चैप्टर से अब सी बी निकालना मुश्किल है सी बी निकालना चला आसान है अब जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू बराबर कितना करेंगे आई

बराबर कितना हो जाएगा बताओ न, पांच आ, पांच दो आई टू रख दो के बदले प्लस आई टू रख दो बराबर दो बटर पांच एक के वो सवाल चला हम दिए हैं कि तुमको अभी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके उस टाइम तो चला सीबीटी वन के बाद जो सीबीटी टू होगा ना चाहे ड्राइवर का हो कि टेक्नीशियन को इतना सारा क्वेश्चन हम तुमको करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं उसके लिए लेकिन खाली आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और इसका क्या करेंगे अब देखो ये अभी बताएंगे तुमको नहीं समझ में आएगा इसका पहला बेसिक बताएंगे फिर सेकेंड लेवल फिर थर्ड लेवल फिर फोर्थ लेवल बताएंगे फट से समझ में आ जाएगा एकाएक युधिष्ठिर तुम नहीं है, लिख लेगा ये हम एकाएक युधिष्ठिर लिखे हैं इसलिए तुम एकदम निश्चिंत रहो उतना पढ़ा देंगे चला बुक कब तक मार्केट में आ जाएगी कल से बुक मार्केट में आ जाएगी बुक लगभग आ चुकी है चला ये को खाली रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं आया लेकिन बुक जो आया है वो पटने में खत्म हो जा रहा है तो इसलिए हम आपका जो बुक का अनाउंसमेंट आज कर देंगे सारे बुक्स का लिस्ट बना देंगे कौन कौन सा बुक रखना है उस सब हम आपको आज बना के रात तक में आज एक वीडियो हम डाल देंगे आज नहीं डालेंगे तो कल तो एक सौ परसेंट डाल देंगे अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आर टोटल यहां पर तीस ओम हो गया आई बराबर भी बाई आर कर दिए तो टोटल आई निकल गया फिर आई वन प्लस आई टू बराबर आई हो गया आई वन प्लस आई टू बराबर आई हो गया और यहां से हम फिर इसका वोल्टेज बराबर इसका वोल्टेज कर दिए वहां से आई वन का वैल्यू इसमें ले जाके रख दिया आंसर आ गया कितना आता है आंसर आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्सर इज द आंसर आई टू में एक, एक समीकरण है सॉल्व कर देना है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा रू रू रु 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 अभी चला लेकिन इस सवाल कैसे बनेगा तुम सोचेगा सर तो भारी है मैथ के जैसा तुम न्यूमेरिकल बनाने लगेगा चला बहुत आसानी से कैसे उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा कहते हैं सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता आ हा 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 देखो बैटरी की क्षमता का हम एगो लिस्ट बना देते हैं यही क्षमता पूछेगा पहले तो बैटरी ये ले लो बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है उसके बाद ट्रांसफार्मर की क्षमता किलो ट्रांसफार्मर की क्षमता किलो वोल्ट एंपियर में और किसकी क्षमता फ्यूज की क्षमता फ्यूज की क्षमता एंपियर में व्यक्त की जाती है जल्दी से लिख लो बैटरी की क्षमता एंपियर आवर में व्यक्त की जाती है ट्रांसफार्मर की क्षमता किलो वोल्ट एम्पियर में और फ्यूज की क्षमता एम्पियर में व्यक्त की जाती है यहां आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा एम्पियर आवर टेस्ला किसका मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है इसका सीजीएस मात्रक गॉस है किलो वाट आवर क्या है व्यवसायिक मात्रक व्यवसायिक मात्रक व्यवसायिक मात्रक है व्यवसायिक मात्रक है विद्युत का विद्युत का व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट आवर एम्पियर तो सबको पता है धारा नापते हैं आंसर जल्दी से बता दो बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं ट्रांसफार्मर को किलो वोल्ट एम्पियर में, में फ्यूज को एम्पियर में बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में ट्रांसफार्मर की क्षमता को किलो वोल्ट एम्पियर में और फ्यूज की क्षमता को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है बैटरी की क्षमता किसमें लिखी जाती है एम्पियर आवर में जल्दी इसलिए फ्यूज की क्षमता किस में एम्पियर में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता किस में किलो वोल्ट एम्पियर में आ हा कहते हैं दो आयाम जब यह कह दिया दो आयामी गति मतलब ऐसी वाली गति ऐसी वाली गति में देखो यहाँ है पिंड यहाँ से यहाँ जाएगा क्षतिज में भी गति करेगा उदग्र में भी गति करेगा तो हम इसी को तो दो आयामी कह... गति कहते हैं जब क्षतिज और उदग्र दोनों में गति हो तो इसी को दो आयामी गति कहते हैं क्षतिज और उदग्र दोनों में गति हो इसे हम लोग दो आयामी कहते हैं आप जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा और यह कौन गति है भैया मेरे ये पे है। आप अगर ऐसे जा रहे हो तो यह लेकिन अगर आप ऐसे जाओगे ना तो यहां से अगर यहां जाओगे तो क्षेत्रीज में भी दूरी तय करोगे उदग्र में भी दूरी तय करोगे कहते हैं दो आयामी गति निरंतर त्वरण पैटर्न का अनुसरण करती है वो है प्रक्षेप प्रक्षेप्य गति आई प्रक्षेप वक्र दिया है प्रक्षेप का वक्र जो है ये परवलयकार होता है प्रक्षेप का जो वक्र होता है परवलयकार होता है प्रक्षेप का वक्र कैसा होता है परवलयकार होता है प्रक्षेप का वक्र कैसा होता है मेरी जान परवलयकार होता है अगला अठारह नंबर एंड द सेकेंड इसके बाद हम लोग सेकेंड लास्ट और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है इस परिघटना को क्या कहते हैं जल्दी बताओ ताप बदलने के कारण अगर विभव बदले तो इससे हम लोग कहते हैं कौन प्रभाव ई हो जाएगा चला सीबेक प्रभाव कहता है कि ताप में परिवर्तन से विभव बदलेगा आ थॉमसन प्रभाव कहता है विभव में परिवर्तन से विभव में परिवर्तन से विभव में परिवर्तन से ताप बदलेगा ये उल्टा कहता है थर्मोकपल अगर आप पढ़े होंगे कि एगो जंक्शन ले लेते हैं आ इसको हॉट कर देते हैं आ इसको कूल कर देते हैं आ यहाँ पर एगो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो इसमें विक्षेप हो जाएगा एक जंक्शन ले लेते हैं एक को हॉट कर देते हैं और दूसरे को कूल कर देते हैं तो यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो यही इसमें विक्षेप हो जाएगा यही थर्मोकपल है सीबेक का प्रभाव है अगर आप पढ़े होंगे तो अगर कह देगा थर्मोकपल ताप युग्म का सिद्धांत किसने दिया था तो ताप युग्म का सिद्धांत दिया था किसने और जूल ने क्या दिया था उष्मीय प्रभाव जूल ने क्या दिया था मेरी जान ऊषमीय प्रभाव एच बराबर आई स्क्वायर आर टी एच बराबर जो है आई स्क्वायर आर टी का सिद्धांत यही दिया था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का सिद्धांत यही दिया था विभव में परिवर्तन से ताप बदलेगा के ताप में परिवर्तन से विभव बदलेगा आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर हमने चला सात कक्षाएं बोली थी आज सातवां क्लास है आपका और फिर हम लेकर आएंगे यूट्यूब पे सीरीज खाली अगर आप एक्टिव रहिएगा नोटिफिकेशन क्या हम दे रहे हैं उसके हिसाब से और एक नॉलेज सीरीज भी हम साइंस का ला रहे हैं साइंस का नॉलेज सीरीज भी हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको हर दिन दस मिनट का वीडियो मिलेगा हर दो दिन पे तीन दिन पे, और वो वैसा वैसा लगभग बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा ताकि एक एक दिन में दो से तीन कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आप सीख पाएं बहुत जल्द उसका नॉलेज सीरीज आ रहा है बताओ जूल का उष्मीय प्रभाव की अगर हम बात करें जूल ने उषमीय प्रभाव की बात की थी सीबेक ने ताप युग में की बात की थी और विभव से परिवह के परिवर्तन से ताप बदलेगा थॉमसन बोला था ताप परिवर्तन से विभव बदलेगा ये सीबेक बोला था बताओ एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन प्रतिरोधकता कब परिवर्तित नहीं होती है जल्दी बता दो प्रतिरोधकता कल हो बताए थे हम याद करो प्रतिरोधकता कब परिवर्तित नहीं होगा पदार्थ के परिवर्तन से होगा ताप के परिवर्तन से होगा पदार्थ की प्रकृति और आकृति में परिवर्तन से नहीं होगा ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला प्रतिरोध जो है प्रतिरोध ये लंबाई पर निर्भर करता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रकृति पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है लेकिन वही अगर प्रतिरोधकता रोग की बात करें प्रतिरोधकता रोग की बात करें तो यह केवल ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है ये एक ध्यान रखिएगा चला कल्हे तो हम बताए थे शायद कल्हे बताए थे देखिए इसका ये आज क्वेश्चन है मेरी जाने मोहब्बत देख लो तुम हम तो बार बार कहते हैं दूसरे हम इतना मेहनत करते हैं मेरा करियर में हमको क्या दिक्कत है दोस्त हम तो अब नहीं भी कमाएंगे तो हमेरा जीवन चल जाएगा लेकिन आपको कितना मेहनत करना है आप ये सोचिए कि हम जब भोरे छः बजे उठ सकते हैं अपने कैरियर के लिए हम तेरे लिए नहीं उठते हैं चला मेरे अपने कैरियर के लिए हम उठते हैं और तुमको भी अपने लिए उठना है मेरे लिए नहीं उठना है खुद के करियर के लिए उठना चाहिए था लेकिन तुम ऐसा किया नहीं दोस्त तो आ, कहते हैं बता प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल और प्रकृति और ताप इस सब चीजों पर निर्भर करता है प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है आज चला लास्ट क्लास है सात दिन की क्लास हमने रखी थी एल पी सी वन का जितना टफ टफ क्वेश्चन था हम बोले थे करवा देंगे और हमने करवा दिया है और फिर जब नया शेड्यूल आएगा तो हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे आप एक्टिव होइएगा और धाई से अपना क्लास कर लीजिएगा बहुत सारी चीजें चला अभी से हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे बहुत सारा बहुत सारा कहते हैं जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल ऊर्जा क्या होता है बता मुक्त रूप से गिरेगा नीचे या नीचे से जाएगा ऊपर हमेशा ध्यान रखना कुल ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा और गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा चला टेस्ट मारिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है टेस्ट मारिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है टेस्ट क्वालिटी वाले टेस्ट मारिए ऐसा टेस्ट जो आपको मेरिट बना के दे सके कुल ऊर्जा और गुरुत्व त्वरण का मान नियत रहता है तो आंसर जल्दी से बता दो क्या रहता है नियत बोलो अचर बोलो कॉन्स्टेंट बोलो चलेगा और ऊपर से नीचे अगर फेंकोगे तो प्रारंभिक वेग जीरो और नीचे से ऊपर फेंकोगे तो अंतिम वेग जीरो ऊपर से नीचे फेंकोगे तो प्रारंभिक वेग जीरो और नीचे से ऊपर फेंकोगे तो अंतिम वेग जीरो अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर अचर रहता है कुल ऊर्जा यही तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है और अगर चला तुम्हारे पास समय हो हम बार बार कहते हैं टेस्ट मारिए अभी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप कहिएगा है सर आज के बाद आप क्लास नहीं लीजिएगा क्या नहीं डेली हम क्लास लेंगे चला डेली हम क्लास लेंगे दस बजे दस बजे यानी नौ पचास में हम डेली आते हैं आ, एक कंप्लीट सेट लेकर हम लोग आते हैं अगर आपके पास समय हो तो आप आइए पढ़िए डेली हम लोग तीन लोग आ, पहले आते हैं दीपक सर पहले आते हैं दीपक सर रीजनिंग लेकर के रीजनिंग लेकर के और उसके बाद आते हैं हम आज से चार सेट हो गया अब सप्ताह में चार सेट होगा पीटी का एक सेट होगा मेंस का उसके बाद एसके झा आते हैं एसके झा सर आते हैं आ, साइंस ले के आ उसके बाद आते हैं रोशन सर रोशन सर रोशन सर मैथ लेकर के हम लोग ये डेली का शेड्यूल बनाए हैं कि एक सेट डेली हम लोग करवाएंगे आपको आ, एक सेट में दीपक सर आएंगे नौ बजकर बीस मिनट में नौ बीस पी में हम आएंगे लगभग 10 10 बजे दीपक सर के जस्ट बाद 10 पीएम में और उसके बाद रोशन सर आएंगे दस बजकर पैंतालीस मिनट पी में अगर आप आ सकते हैं तो वेलकम है टाइम नोट कर लो जैरा पढ़ना होगा वो मेरा टाइम नोट कर लो दस बजे आते हैं हम और डेली एक सेट हम लोग करवाएंगे पीटी का डेली एक सेट तीनों आदमी मिलकर पीटी का करवाएंगे अब फिर कुणाल सर भी आएंगे दस क्वेश्चन उनका भी है तो डेली अगर आप एक सेट करना चाहते हैं फुल सेट तो आप नौ बीस से हमसे जुड़िए डेली मंडे टू फ्राइडे में सैटरडे संडे खाली नहीं होगा मंडे टू फ्राइडे में डेली आप हमसे जुड़िए और डेली हम आपको एक सेट करवाएंगे डेली यहाँ हम बीस क्वेश्चन करवाने वाले हैं अगर आप में हिम्मत है तो डेली आप ये शेड्यूल फॉलो कीजिए शाम में नौ बीस से स्टार्ट होगा नौ बीस में दीपक सर दीपक सर के ख़त्म होने के बाद हम हमेरे ख़त्म होने के बाद रोशन सर और ये आपको डेली का रूटीन यही मिलेगा अगर आप हमको फॉलो आप कहिएगा कि क्या आप यूट्यूब छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं डेली हम लोग दस बजे मिल रहे हैं चला एक से डेली करवाएंगे अगर ये इसको ये टेस्ट आप देना चाहते हैं तो ऑनलाइन में आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके धाएं 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 टेस्ट धाए मारिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार पाते हैं उतना ज़्यादा टेस्ट मारिए बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए दो सौ रुपया पर मंथ में आपको बहुत सारा लगभग हमको लगता है एक सौ प्लस सेट मिलेगा हर मंथ और

Thank you very much. Love you all. Namaskar.